Thousands of people gathered at Hatta Kaijoibung in Imphal East, where Union Home Minister Amit Shah is expected to arrive in a while. Report says Home Minister is already arrived at Imphal International Airport. Chief Minister N. Biren Singh and Party President A. Sharda Devi are already at the airport to welcome the visiting Home Minister. Works Minister Govindas Kothamjam and Shah has already reached airport and will reach the venue in a while. On the other hand, some protests are also taking place in Imphal and at least two locations, one at Khurai and another at Chekon. Some protesters burned tyres. The protests, the arrival Union Home Minister to hold a seat. उम्मीद नहीं है, सच्चाई है जी। बताइए, बीजेपी जो है वो मणिपुर का जी, मणिपुर का एकदम किसी भी हिस्सा, किसी भी कोने को मतलब उसको तोड़ने से या बिखरने से पूरा उसके विरोध में है। तो मणिपुर एकदम शांतिपूर्ण प्रदेश रहेगा, मणिपुर में शांति आएगा। जो भी हमारा बीच मिसअंडरस्टैंडिंग था वो सब सॉल्व हो जाएगा बहुत जल्द ही। अभी सॉल्व हो रहा है, अभी प्रयास है, अभी चल रहा है टॉक्स। और बीजेपी का तो बस एक ही मुद्दा है कि शांति आना है और देश को विकास की तरफ बढ़ना है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उसके ऊपर कितना मनोबल मिलेगा होम मिनिस्टर के आने से? बीजेपी के कार्यकर्ता तो पहले से ही हम लोग बहुत ऊर्जा से काम कर रहे हैं जी, और हमको बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी मिला है। मणिपुर के कार्यकर्ता लोग कुछ समय लो प्रोफाइल में था, क्योंकि देश में हमारा जगह में मणिपुर में देश में हलचल था, मिसअंडरस्टैंडिंग था। इलीगल माइग्रेंट्स की वजह से हमें बहुत तकलीफ दिया गया, लेकिन उसकी वजह से मणिपुर में फेंसिंग हो रहा है, बॉर्डर फेंसिंग चल रहा है, एफएमआर रुक गया है। और अभी हमारा भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में एनआरसी जरूर लागू करने के लिए ये वादा किया है।